खबर औरैया से है, जहां अयोध्या से कानपुर होते हुए औरैया पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का औरैया में हिंदू संगठनों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के बनने से विश्व भर में हिंदुओं का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा, राम मंदिर सनातनियों की आस्था का केंद्र है और वह सनातन की अलख जगाने के लिए भारत के प्रत्येक प्रांत में प्रवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मंदिर के लिए 8 करोड़ हिंदुओं से 125 रुपया लिया था और 60,000 घन फीट पत्थर मिलकर तैयार किए थे। उन्होंने कहा, भारत में कोई हिंदू अकेला नहीं है, उनकी मदद के लिए भारत के हर कोने में हमारी हिंदू हेल्पलाइन बनी है। भारत के प्रत्येक हिंदू की मदद कर एकजुट करने का कार्य वह कर रहे हैं। वहीं औरैया में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। भगवान राम अपने भव्य महल मंदिर में वापस लौटे हैं। यह मंदिर 1989 में हमने 8 करोड़ हिंदुओं से 125 रुपया लिया था। 32 वर्षों तक 60,000 घन फीट पत्थर गढ़कर तैयार किए थे और यह मंदिर में 8 करोड़ हिंदुओं के 125 रुपया के 54,000 घन फीट पत्थर लगा है। इसलिए मंदिर कोई एक व्यापारी के करोड़ों रुपया से नहीं, 8 करोड़ हिंदुओं के 125 रुपया से बना है। भारत में हम कोई हिंदू अकेला नहीं है, उनकी मदद के लिए 24 घंटे भारत के हर कोने में हमारी व्यवस्था हिंदू हेल्पलाइन नंबर है 02066803300, अर्थात भारत में कोई हिंदू अकेला नहीं है। 24 घंटे हिंदुस्तान के किसी कोने में मदद मिलेगी, हिंदू हेल्पलाइन। अब हम हिंदू हेल्पलाइन के आधार पर भारत के हर हिंदू को मदद करेंगे, एकजुट रखेंगे। धन्यवाद।